विजयपुरा के श्री सिद्धेश्वर मंदिर में हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब कुछ हिंदुत्व कारकुनों ने मंदिर के सालाना मेले में मुसलमान दुकानदारों को रोकने वाले पोस्टर लगवाए। श्री सिद्धेश्वर सोसाइटी के अहदेदारों ने मुदाखलत करके ये बैनर तो हटवा दिए, लेकिन उससे नाराज कारकुनों ने बीजेपी एमएलए और सोसाइटी के चेयरमैन बासना गौड़ा पाटिल यतनाल से वाबस्तगी के बावजूद सोसाइटी के रवैये पर अहदेदारों से बदजुबानी की। कारकुनों ने ऐसा बैनर लगाया था जिसमें जिहादियों, गाय जुबा करने वालों और लव जिहाद में मुलव्वस अफराद से तजारत पर पाबंदी लगाई गई थी और हिंदुओं से इसरार किया गया था कि वो मुसलमानों के साथ कारोबार करने से बाज रहें। हिंदू कारकुनों के एक खुद साख्ता फेडरेशन ने एतनाल और त्यौहार कमेटी पर दबाव डाला था कि वो मुसलमान दुकानदारों को सालाना मेले में शिरकत की इजाज़त भी ना दें। विजयपुर जिले एल्ला समस्त हिंदू संघटने सेरी सिद्धेश्वर संस्थे ना मनवियन्नु कोट्टिद्दीवि। ಜಾತ್ರೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಂತ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾನರನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಬ್ಯಾನರನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕೂಡಿ ಬ್ಯಾನರನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಬ್ಯಾನರನ್ನು ಒಂದು ಹಿಂದೂಗಳ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು. ಆ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಹಿಂದುತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗಿದ್ದೀವಿ, ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೂವಾದಿಯ ಒಬ್ಬರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ನರೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಬ್ಯಾನರನ್ನ ಕಿತ್ತೆಸೀರಿ ಅಂತಂದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ. ಯಾರೋ ಈ ಬ್ಯಾನರನ್ನ ಕಿತ್ತೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಜ್ ಕ್ಯಾ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ ಬಿಜಾಪುರ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಹೈ ಬೋಲಾ ಜಾತಾ ಹೈ. तो कई सालों से पुराने बहुत से सालों से एक मिलजुल के गंगा जमुना तहजीब है ना बीजापुर के अंदर भी है. तो आज क्या चल रहा है, जो ये आदिलशाही का शहर और ये बसवण्णे का हमारा जगत ज्योति बसवेश्वर है उनका शहर है. पहले कितने सालों से मैं देखते आ रहा हूँ कि हम भी जाते थे जात्रे में. जो भी एक जात्रा मतलब सभी लोग धर्म सभी जात के लोग पार्टिसिपेट करने का एक खुशी का माहौल का जात्रा है. फिर भी ये लोग क्या बोल रहे हैं, फिर से ये लोग नाटक कर रहे हैं. मुसलमान के लोग सिद्धेश्वर टेम्पल के जात्रे के अंदर नहीं आना और व्यापार नहीं करना करके फिर से ये लोग चालू करें. तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये बीजेपी के लोग बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास, और एक इनका नारा है वासुदेव कुटुंबकम. इसका मतलब क्या है, ये लोग क्या है, बोलने का एक करने का एक, ये लोगों का एजेंडा है. मतलब ये क्या चल रहा है, मतलब ये लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है. भेदभाव, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव पैदा करना, वोट लेना, यही इनका एजेंडा है मेन. तो अभी मुसलमान लोग टेंपल को लाइट लगा सकते हैं, लाइटां लगाने का और जो भी है डेकोरेट कर सकते हैं टेंपल को मुसलमान लोग. और इनको हिंदू लोगों के घर घर तामीर कर सकते हैं, या सेंटरिंग का काम होंगे, या कारपेंटर का काम होंगे. हिंदू लोगों के घर को मुसलमान लोग कर सकते हैं, लेकिन जो भी है टेंपल वगैरह वो टेंपल में आना नहीं है. ये लोग फिर से नाटक चालू करें, ये नहीं होना एक्चुअली. क्योंकि सभी कम्युनिटी के लोग साथ में रहते हैं, जीते हैं, और व्यापार और बिजनेस भी सभी लोगों के साथ में रहना करना चाहिए. क्योंकि तो तभी प्रॉफिट होएगा. ये जो भी हमें डेली मार्केट में करते हैं, जो भी मिलजुल के जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो ये क्या है, ये लोगों का क्या है एजेंडा, दहशतगर्द फैलाना है इनको, मतलब भेदभाव फैलाना है. ये लोगों का ये लोग सुधरेंगे नहीं, ये लोग करते रहेंगे.
लेकिन क्या है, तो हमारे एमएलए लोग तो कुछ बोला नहीं है, फिर बसनगौड़ा पाटिल लेता हूँ साहब मैं, अभी कुछ बोले नहीं है लोग, फिर भी लास्ट टाइम भी ऐसा ही बोले थे। लेकिन देखो जो भी है, अभी समझो कि टेंपल के अंदर जो भी ज्यादा स्टॉल्स रखते, जो बिजनेस स्टॉल्स रखते हैं, ज्यादा ज्यादा मुसलमान के लोग लगाना पड़ता है, बाहर से आते हैं, तो वो लोगों को क्या बोलेंगे। मतलब हर इंसान की रोजी रोटी का सवाल है, वो ऊपर वाला देता है, ये लोग चिंटू पुंटू क्या कर सकते हैं, वो तो ऊपर वाला पेट भरता है, ये लोगों को क्या लेना देना नहीं है। तो मतलब ये लोगों निगलेक्ट, मतलब ये लोग क्या है, भेदभाव तारतम्य क्या बोलते हैं ना, ये बीजापुर के अंदर ज्यादा है, इसलिए तो बीजापुर अभी भी गोल गुमज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं हुआ ये। और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बीजापुर के अंदर, बहुत से पीछे है बीजापुर ये। मतलब खाली ये क्या करना चाहते हैं, ये एजुकेशन है ढंग से, प्राइवेट एजुकेशन चल रहा है, पूरा प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, पूरे लोग साथ में जी, साथ में हम लोग तो पहला साथ में जिए हैं, साथ में टेंपल को गए, होटल को गए, सब साथ में रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सब साथ में हैं इधर, ये लोग फिर भी ये नाटक चालू कर रहे हैं लोग, यही बोलना चाहता हूँ। ये बहुत से बुरा लगता है मेरे को।